प्रायोजक बेलकोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम, बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला, कर लेंगे सीएम पद की शपथ। पुष्कर धामी के सीएम बनने पर खटीमा में जश्न का माहौल, खटीमा वासी ने ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया और उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। आप सांसद संजय सिंह ने की एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात, कहा ये शिष्टाचार भेंट विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम मानी गई मुलाकात। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीते उम्मीदवारों को सीएम योगी ने बधाई दी, उज्जवल कार्यकाल की दी शुभकामनाएं, पीएम मोदी को दिया बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने तोड़ा सपा का रिकॉर्ड, 67 जिलों में लहराया जीत का परचम, 6 जिलों में सपा और 2 जिलों में जीते निर्दलीय उम्मीदवार। मैनपुरी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 3 दशक बाद शिकस्त दी है, बीजेपी प्रत्याशी अर्चना भदौरिया ने 18 वोट पाकर मैनपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जा किया। हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक से बरामद किया 16 करोड़ रुपए का अफीम डोडा, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। बागपत में आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत दर्ज की, ममता किशोर ने 7 वोटों से जीत दर्ज की। जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने बासी मारी, श्रीकला रेड्डी को चुनाव में 43 वोट मिले। ओपी राजभर का बीजेपी पर निशाना, कहा पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कुंडई का सहारा लिया, राजभर ने कहा आजादी के बाद पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिला। शाहजहांपुर के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना। अमरोहा में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए एसडीएम ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। रामपुर जिला कलेक्ट्रेट मतदान स्थल से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। इटावा शांति नगर कॉलोनी में शादी समारोह के दौरान घर में लगी आग। मेरठ में मां बेटी जहर खाकर पहुंची थाने, थाने में मचा हड़कंप। अमरोहा में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया शातिर, बदमाश जीशान, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लैंड बैंक के तहत ग्रामीणों से जमीन पर कब्जा लेने पहुंची प्रशासन की टीम।